फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एमटीएस के लिए मैथ की ये टेस्ट सीरीज। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि किसी कार्यालय में उतनी ही चार पाए वाली कुर्सियां और उतनी ही चार पाए वाली मेजे हैं जितने काम करने वाले, तथा उतने ही तीन पाए वाले स्टूल हैं जितने चार पाए वाले अलमारियां हैं। यदि स्टूलों की संख्या काम करने वालों की संख्या से एक अधिक हो तथा कुल पायों की संख्या 585 हो, तो आपको बताना है कि काम करने वाले की संख्या क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब आप इसे फिर से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चार पाए का मतलब है कि चार पैर वाली, जैसे कुर्सियों की कितनी चार पैर होती है, तो वही कहता है कि कार्यालय जो है उसमें उतनी ही चार पाए वाली जो कुर्सियां हैं और उतनी ही चार पाए वाली मेजे हैं, यानी कि कुर्सी और मेज दोनों इक्वल है जितने काम करने वाले। ठीक, तो मान लिया जाए कि काम करने वाले जो है उसकी संख्या x है, तो उतनी ही क्या है कुर्सियां भी है, कुर्सियां भी x है, उतनी ही क्या है मेजे हैं, मेजे भी कितनी हो जाएंगी x। अब क्या कहता है कि तथा उतनी ही तीन पाए वाले स्टूल हैं जितने की चार पाए वाले मेजे, यानी कि स्टूल और अलमारी दोनों की संख्या क्या है इक्वल है। अब स्टूल के बारे में क्या कहा गया कि स्टूल की जो संख्या है ना काम करने वाले की संख्या से एक अधिक है, तो काम करने वाले की संख्या x, तो इसकी संख्या कितनी x प्लस वन और इसकी भी x प्लस वन, और टोटल पायो यानी कि टोटल पैर की संख्या गिन के 585 दे दी गई है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, काम करने वाले यानी कि कोई आदमी है तो उनके टोटल पैर कितने 2x, कुर्सियां चार पैर वाली तो टोटल पैरों की संख्या 4x, मेज भी चार पैर वाले तो टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी 4x। अब प्लस स्टूल तीन पैर वाले तो टोटल पैर की संख्या कितनी इतनी हो जाएगी, और अलमारी चार पैर वाले तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी इतनी इक्वल टू 585। एक्स वाले को जोड़ दीजिए आप 2x 4x 4x, ओके, तो ये सब मिला के कितना 10x हो गया। इसे सॉल्व कीजिए तो 3x प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 585। अब यहाँ पे देखिए 3x और 4x 7x और 10x कितना 17x हो गया, और यहाँ पे 3 और 4 कितना 7 हो गया ना, जो कि इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो 585 में माइनस करेंगे हम लोग क्या 7, तो कितना आ जाएगा 17x इक्वल टू 578। अब ना इसे 17 से कट कर दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा ये 34 टाइम में। आपसे पूछा गया कि काम करने वाले की संख्या कितनी, तो आपने x माना था और x का मान कितना आ गया 34, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर स्टूल की संख्या पूछती तो 35 हो जाती, अलमारी की भी 35, बाकी बात कुर्सी और मेजे सारे की संख्या इक्वल थी तो इसका 34 ही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। रेशियो दिया गया है 2:1, 3:1, 3:2 और 7:5। एक दर्जन शीशे का मतलब क्या 12 पीस थे वो, और वो टूट गए। तो आप इतना याद रखिए कि जब कोई कांच या कुछ भी टूट जाता है, जैसे कि मान लिया जाए ये ग्लास है, ये थोड़ा सा अगर यहाँ से टूटा तो इसे भी टूटा हुआ ही मानते हैं, क्योंकि जब आप उसे अलग करके रखेंगे तो इसे टूटे हुए में ही रखेंगे। यानी कि कोई भी ग्लास या कोई भी बर्तन कुछ भी होता है वो कंप्लीट होता है, या अगर वो टूटता है जरा सा भी तो वो पूरा टूटता है, 0.5 0.7 ऐसा में कभी नहीं टूटता है। तो अगर टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ दोनों का रेशियो अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो चलिए, अगर 2:1 रहता यानी टोटल कितना 3x इक्वल टू 12, यानी ये क्या होगा कट जा रहा है ना, चलिए कट जा रहा है मीन्स ये हो सकता है। 3:4 से भी 12 क्या होगा कट हो जाएगा, यानी ये भी हो सकता है। 3:5 इससे 12 नहीं कटेगा, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो
तो यही हो जाएगा आंसर कि ये नहीं हो सकता। बाकी 7:5, 12, ये भी आपका 12 कट रहा है तो ये भी हो सकता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चार लगातार सम संख्या का औसत यानी कि इवन नंबर का एवरेज जो दिया गया है 23 दिया गया है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। एक तो हम इसके लिए क्या करते हैं, संख्या मानते हैं x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, उसके बाद इसका एवरेज 23 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चारों संख्याओं का योग। फिर इसमें से हम अगर x का जो मान निकालेंगे, अगर छोटी संख्या पूछ रही है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या तो इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बट इससे थोड़ा शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या, एकदम मिडिल, बीच, तो यहाँ पे हम ना लिख देंगे 23। ये जब मैं आपको एवरेज चैप्टर बता रही थी तो उसमें ही मैंने ये शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताया था, तो अगर जैसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और नहीं देखे एवरेज वाली वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप एवरेज वाली वीडियो देख लें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे ना यहाँ पे कि 23 दिया गया है तो सम संख्या है ना, तो आप इसके आगे वाली सम संख्या ले लें और इसके एक बैक वाली सम संख्या ले लें, हो गया ना। चलिए अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब कहता है चार सम संख्या है ना, तो एक 24, दूसरा क्या हो जाएगा 26, ये बैक में एक 22 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, तो कहता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 20, और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी अगर पूछेगा तो 26 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको बिलीव नहीं है कि ऐसे बनता है तो आप ना इसे सॉल्व कर करके देख लीजिए, इससे भी आपका 20 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, उसका वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, वर्तमान आयु क्या है आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 वर्ष के बाद कहा जा रहा है किसी आदमी के बारे में कि उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना कि वह 5 वर्ष पूर्व था, तो अगर वर्तमान में हम उसकी आयु अगर एक्स मान ले तो 15 वर्ष पूर्व वो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 15, और अगर 15 वर्ष बाद की बात करें तो वो कितना हो जाएगा x प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 15 और x प्लस 15, क्या कहा कि 15 वर्ष के बाद वह आदमी ना उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, 15 साल के बाद ना इससे ये 4 गुना हो, जितना कि वह 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व जो है ना इसका आयु ये था और इससे ना ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा 15 वर्ष के बाद। तो इक्वल करने के लिए या तो आप इसमें 4 से डिवाइड कर दें या तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में तो 3x, ये इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 75, 3 से कट कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 25। आपसे पूछा गया कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु को हमने क्या माना था x माना था ना, तो x का मान हो गया 25, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कहता है यदि 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग को 20 दिनों में पूरा करता है तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाएंगे, यानी 20 आदमी तो ऑलरेडी है और कितने आदमी लगाया जाए, ठीक है, शेष काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग MDH/W वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, तो 20 आदमी 1/3 भाग को, काम को हम लोग नीचे रखते हैं, और 20 दिनों में पूरा करता है तो शेष काम, अब देखिए 1/3 काम हो गए तो बचे कितने हैं 2/3 काम बचे हैं, इसे जो है ना 25 दिन में पूरा करना है तो उसके लिए और कितने आदमी चाहिए, तो 20 तो ऑलरेडी थे तो मान लिया जाए कि और एक्स आदमी चाहिए तो 20 प्लस एक्स हमने कर दिया, यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, 5 से कट करें 4 टाइम में, ये 5 टाइम में, फिर 5 से कट करें 4 टाइम में, क्रॉस में कर दीजिए अब मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 32 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना हो जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 12, यानी कि 12 जो है और लोग इसे चाहिए काम को पूरा करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका
आंसर। अगला सवाल है, 3.5 की पावर 12 दी गई है, 2.7 की पावर 10 दी गई है और 10 की पावर ना 25 दी गई है। इसको बताना है आपको कि रूट गुणनखंड, रूट गुणन का मतलब क्या है कि जिसे ना हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं या फिर जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं, तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है। तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो अगर नहीं देखे तो आप वहां जाके देख सकते हैं प्राइम फैक्टर की वीडियो, या तो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3.5 की पावर है 12 इंटू 2.7 की पावर 10 दी गई है और 10 की पावर 25। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं सबका, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब ये पूरे पे पावर 12 है और ये भी पूरा पे पावर है 10। अगर आप 35 का फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 5 हो जाएगा 12, और इसकी फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 जो भी आप करें। 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 फैक्टर होगा इसका, और यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर होगा इसका। ओके, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि 10 का भी क्या होगा, 2 ही फैक्टर होगा। चलिए यहाँ तक तो, अब फैक्टर जितना होता है उसे क्या कहते हैं, उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 फैक्टर है तो कितना हो जाएगा 24, प्लस यहाँ पे 3 फैक्टर है तो कितना हो जाएगा 30, प्लस में यहाँ पे 10 की फैक्टर क्या 25 है ना, तो 2 फैक्टर है तो कितना हो जाएगा ये 50। नीचे क्या बचेगा यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, इसका फैक्टर कितना था, यहाँ पे 12 था ना, दो फैक्टर हुआ तो कितना 24, और यहाँ पे क्या था, दो फैक्टर ही हुआ, 10 था तो कितना हो जाएगा 20। ये दोनों 10 का ही पावर था, दोनों सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा ना, यहाँ पे 44 हो जाएगा 10 पे, और ये भी 10 के लिए ही था। तो जब दोनों एक ही है और इसे जब आप ऊपर करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो 24 प्लस 30 ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ 50 में माइनस हो जाएगा 44। यहाँ पे अब 24 प्लस 30 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, जब सबको ऐड करेंगे ना तो 60 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का दे दिया है, तो आप इसे चाहे ना पॉज करके पहले सॉल्व करके देख सकते हैं या फिर मैं यहाँ बता रही हूँ। कहता है कि 8 की पावर ना 25/3 दी गई है और इंटू 15 की पावर 32 दी गई है, बटे 6 की पावर 12 दी गई है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये पावर क्या हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए 15 का आप फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू 5 और इसका 32 हो गया। 6 का क्या फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3 और ये हो गया आपका 12। अब ये क्या होगा, कट हो जाएगा 2 की पावर 25, यहाँ पे ना हम लोग अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर भी 32 और 5 की पावर भी 32। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 12 और इंटू 3 की पावर 12। अब यहाँ पे बेस में देखिए 2 और 3 सेम है, तो इसे हम ऊपर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2 की पावर 25 इसमें 12 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे, फिर अभी तो मल्टीप्लाई में ही है, फिर 3 की पावर है 32 इसमें माइनस क्या करेंगे 12 और 5 की तो वही रहने देंगे। अब इसे माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 13, प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। अब इसे टोटल को ऐड करें तो कितना हो जाएगा ये 65 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रूट गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी 65। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है कि 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है जो कि 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य का मतलब कि जो 6 से पूरा पूरा कट रहा है। अब सबसे पहली बात, 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से, और लास्ट कहां तक जाती है 999 तक। इसका मतलब है कि 100 से लेकर 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो कि 6 से पूरा पूरा कट जाए। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों में ना आप 6 से डिवाइड कर दो और दोनों को माइनस कर दो। यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में 166 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको पॉइंट के बाद वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रखनी है। माइनस यहाँ पे जब इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी होगा, तो पॉइंट के बाद से हमें कोई मतलब नहीं। अब 166
और माइनस करें 16, इसे जब माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 100 से लेकर 999 तक के बीच ऐसे कितनी संख्या है, तो 150, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो कहता है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2.3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। मान लिया जाए ये है पेड़, ओके। अब क्या हुआ कि हवा में यहां से मान लिया जाए कि ये टूट गया, यहां से मान लीजिए कि ये टूट गया, और जैसे ही टूटेगा ना ये जमीन पर इस तरह से आके गिरेगा, कितने मीटर की दूरी पे, तो 2.3 मीटर की दूरी पे। आप ना इसे ए बी सी और डी, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। आपसे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई यानी कि टोटल यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई उसकी थी क्या। अभी तो टहनी टूट के पेड़ आधे दूर से टूट के क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है। अब कितने दूर से टूटा ये भी नहीं कहा गया, बस कहा गया टूट के गिर गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना बी सी और डी से हम लोग चलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी और बटे सी डी। थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, बी सी का मान मालूम नहीं, सी डी का मान है 2√3। टेन 60 का मान होता है √3 इक्वल टू बी सी बटे 2√3। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर का आ जाएगा, यानी ये निकल गया 6 मीटर। अब ये निकल गया, ये निकल, अब देखिए ये जितनी लंबाई का है ये भी उतने ही लंबाई का, यानी कि ए बी बराबर, यहाँ लिख सकते हैं आप ए बी बराबर बी डी हो जाएगा। तो बी डी का मान आप निकाल लीजिए। बी डी का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक अगर त्रिभुज है इस तरह से, अगर इसका मान मालूम है तो इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर बी सी का होल स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए बी सी का मान 6 निकला इसका स्क्वायर, प्लस सी डी का मान 2√3 इसका स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12। इसे ऐड करें तो 48 आ जाएगा। 48 का रूट किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे निकालेंगे ना तो 4√3 आ जाएगा। लेकिन अब अगर जोड़े की टोटल यानी कि ए सी पेड़ की लंबाई, तो ए बी और प्लस बी सी हो जाएगा। ए बी का मान आपका जो है, ए बी का मान वही है जो कि बी डी का है, तो ये हो जाएगा आपका 4√3 और प्लस कितना हो जाएगा 6। यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये √3 है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 का मान रख लेंगे क्या, 1.732 प्लस 6। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स पॉइंट नाइन टू एट हो जाएगा और प्लस 6, इसे ऐड करेंगे तो 12.928 इतना मीटर आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई, जो कि आपके ऑप्शन में लगभग कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% जो है दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 पैसा शेष रहता है। तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था, मान लिए जाए ना कि एक्स रुपया था। इसका अगर 80% वह साथी को दे देता है, मतलब कि तो, और बचा हुआ यानी कि शेष का, जब शेष का और शेष का ऐसा रहे, बाद में भी आपके पास शेष ही बचा है, तो हम पहले से ही लेके, अगर 80% वो दे दिया तो बचा उसके पास कितना 20%, फिर इसका 6% देने के बाद बचा कितना 47, तो 6% अगर दे देगा तो बचेगा कितना 94% और बचा है कितना 47। लेकिन आपने ये माना है रुपया में और ये जो है माना है आपने पैसा में, तो इसे क्या करेंगे हम, रुपये में चेंज कर देंगे। सॉरी मुझे यहाँ ऑप्शन में रुपया लिखना चाहिए था, इसका ऑप्शन में रुपया ही दिया गया था, इसीलिए हमने इसे रुपये में चेंज किया। 100 और 100 ये कट हो जाएगा, 20 से कट कर दिए 5 टाइम में, क्रॉस में कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 235 और बाई हो जाएगा 94। ये कंप्लीट कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा इतना रुपया, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक तो जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।